नमस्कार, महुआ खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और वो खबर बिहार से है और इस पर एक बहुत बड़ा फैसला आया है मोदी सरकार का, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के कंटेक्स्ट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार मरणोपरांत भारत रत्न देने जा रही है। चुनावी माहौल में जिस तरह से अभी पूरा माहौल चल रहा है और कर्पूरी जयंती जो कि 24 तारीख को है, 24 तारीख को कर्पूरी जयंती को मनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चाहे बीजेपी हो चाहे जेडी हो, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। सबसे बड़ी बात यह है कि काफी दिनों से इस बात को लेकर ये मांग उठ रही थी कि क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। अलग अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से इसकी मांग उठ रही थी, चाहे जेडी हो, आरजेडी हो, लेफ्ट हो, हम हो, तमाम ऐसी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर ये मांग कर रही थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन अब सरकार ने, चूंकि अब ये पूरा, अब कल जयंती है, 24 तारीख को जयंती है और इसे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके बीजेपी और जेडीयू, उनके बड़े पैमाने पे, चूंकि 100वीं जयंती है, शताब्दी जयंती है और इसे मनाने की पूरी तैयारी कर रही है और इसे लेकर एक बिहार में घमासान मचा है। घमासान इस मायने में क्योंकि बीजेपी यह चाहती थी कि मिलर स्कूल में जो है वो कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाए और इसके लिए प्रॉपर तरीके से बीजेपी ने एक आवेदन भी दिया था। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जेडीयू के कहने पर मिलर स्कूल का जो आवंटन है वो आवंटन रद्द कर दिया गया, क्योंकि जेडीयू भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रही है और वो जयंती वेटनरी कॉलेज में है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के आवेदन को रद्द किया गया। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आरोप है, क्योंकि जेडीयू ने यह तर्क दिया है कि वो ग्राउंड जो है, जो लोग आएंगे वेटनरी कॉलेज में शामिल होने के लिए, उन्हें उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो एक घमासान सा मचा है और उसी घमासान के बीच में चुनावी साल में बिहार के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, बिहार के लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और ये फैसला ये है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। अब ऐसे में ये मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है। एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने ऑलरेडी 22 जनवरी को दे दिया है, जब बड़े पैमाने पे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसको लेकर इतना हंगामा मचा था, वो उन्होंने 22 तारीख को पूरा किया। और अब बिहार के कंटेक्स्ट में एक बड़ा फैसला है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से यह सरकार भारत रत्न देने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।